विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से जनता दरबार के साथ में है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। भाटी जी, जनता दरबार में जनता के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट कल आने वाला है और जैसा कि सर विदित है, महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप? सब बहुत उम्मीदें हैं इस पूरे प्रदेश को और विशेषकर हमारे उस मारवाड़ को, बाड़मेर जैसलमेर को, उस सीमांत क्षेत्र को। हमें लगता है कि सर हमारे लिए विशेष पैकेज इसमें होंगे और मुझे भरोसा है आप कल बजट आएगा, आप सब हम सब मिलके देखेंगे जी। क्या कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आप चाहते हैं कि इस बजट में आपके विधानसभा क्षेत्र को पैकेज मिले? जाहिर सी बात है कि मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और साथ ही साथ में युवाओं के लिए रोज़गार, इन तमाम क्षेत्रों में विशेष पैकेज मिलना चाहिए। और बाड़मेर जैसलमेर को तो विशेषकर क्योंकि सीमांत जिले हैं और वहाँ के लोग जब तक मजबूत नहीं हो पाएंगे तब तक ये देश मजबूत नहीं हो पाएगा। और मुझे भरोसा है इस बार की सरकार उस क्षेत्र को बहुत कुछ देगी। लोकसभा चुनावों के समय, विधानसभा चुनावों के समय आपके साथ हमने उन क्षेत्रों का भी दौरा किया था। पवन चक्किया उस क्षेत्र में बहुत है, सोलर सेल की वहाँ पर बहुत आयत है, ये हो गई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों के बाद में आप चाहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर की धरती उस वजह से भी जानी जाए? देखिए, सोलर, विंड, माइनिंग, एशिया की सबसे बड़ी ओपन लिग्नाइट माइंस हमारे बाड़मेर में है, ये किसी को नहीं पता। आप अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो बाड़मेर को आप भारत का दुबई कह सकते हैं, तेल के मामले में, खनिज भंडार के मामले में, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। पर फिर भी हमारे जो युवा है वो आज भी बेरोज़गारी के आलम में है, बेरोज़गारी से त्रस्त है। मुझे लगता है कि इस बजट में उन युवाओं के लिए भी रोज़गार के कई नए संसाधन, नए आयाम स्थापित किए जाने सुनिश्चित सरकार को करना चाहिए। वित्त मंत्री पर्यटन मंत्री भी हैं और जैसलमेर बाड़मेर भी पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी जाना जाता है, तो उस दृष्टि से भी आपको इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं। और टूरिज़्म के मामले में हमें बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी कई सारे नए बजट देंगे, नई घोषणाएं करेंगे और कल का इंतज़ार है। छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या कहेंगे? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, मैं छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति से निकल के आगे आया हूं, तो मेरा सरकार से निवेदन कि आप छात्र संघ चुनाव कराएं। ये एक राजनीति की नई नर्सरी है और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उन्हीं कुछ युवाओं को लेकर आज आप बिड़ला ऑडिटोरियम के प्लेनेटोरियम में आए हैं और आपने कहा कि आप भी यहाँ पहली बार आए हैं, क्या कहें? बहुत ही बढ़िया है सर, और तमाम मेरे छोटे भाई बहन जो आज आए हैं उनको नई चीज़ें दिखा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कहना कि आप सब भी जो भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो भी ये जगहें ज़रूर देखें। कहते हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले बजट को लेकर विशेष तौर पर जैसलमेर बाड़मेर के लिए स्पेशल पैकेज की ये मांग करेंगे। और युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि ये भी एक युवा है, छात्र राजनीति से आए हैं, तो विधानसभा में बहुत ही मजबूती के साथ में छात्र संघ चुनावों का मुद्दा, युवाओं के लिए स्पेशल पैकेज, बेरोज़गारी कैसे दूर हो, महिलाओं का कैसे विकास हो, चिकित्सीय क्षेत्र में कैसे वहां पर बेहतर इंतज़ाम हो सकते हैं अगर भले ही वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएँ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कल रविंद्र भाटी विधानसभा में उठाने वाले हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।